एक भूत यूरोप की नींद हराम कर रहा है, ये साम्यवाद का भूत है। पोप, जार, मेटरनिक, फ्रांस के मूल तत्ववादी, जर्मनी की पुलिसिया खुफिया विभाग के सदस्य, यानी पुरानी यूरोप की तमाम ताकतों ने इस भूत को भगाने के लिए एक पवित्र गठबंधन बना लिया है। इन तथ्यों से दो बातें निकलती हैं। एक, तमाम यूरोपीय शक्तियों ने साम्यवाद को एक ताकत के रूप में पहचान लिया है। दो, अब वो समय आ गया है जब साम्यवादियों को खुलकर पूरी दुनिया के सामने अपने विचार, अपना दृष्टिकोण और अपनी दिशाएं प्रकाशित करनी चाहिए और पार्टी के घोषणा पत्र के माध्यम से बच्चों को डराने वाले साम्यवाद का भूत नामक कहानी की सच्चाई को प्रस्तुत करना चाहिए। अभी तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। आजाद और गुलाम, कुलीन और मामूली, सामंत और बंधुआ, गिल्ड मास्टर और दिहाड़ी मजदूर, या यूं कहिए कि शोषक और शोषित के बीच लगातार एक दूसरे के विरुद्ध अनवरत संघर्ष जारी है। ये संघर्ष कभी छिपा है तो कभी खुला रहा है। इन संघर्षों का अंत समाज की क्रांतिकारी पुनर्स्थापना या फिर दोनों विरोधी वर्गों के विनाश से होता रहा है। ऐतिहासिक पैमाने पर पूंजीपति वर्ग ने बहुत क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। जब भी वो ताकतवर हुआ, उसने सामंती पितृसत्तात्मक काल्पनिक रिश्तों को समाप्त कर दिया। उसने निर्दयी तरीके से उन तमाम बंधनों को तोड़कर फेंक दिया है जो आदमी को उसके स्वाभाविक हाकिमों से बांध कर रखते हैं। उसने आदमी और आदमी के बीच नंगे निजी स्वार्थ और निर्मम पैसे के भुगतान के अलावा और कोई रिश्ता नहीं छोड़ा। उसने धार्मिक जुनून की सर्वाधिक स्वर्गीय खुशियों, शौर्यवान उत्साह और भौंडी भावुकता को व्यक्तिवादी लेन देन के बर्फीले पानी में डुबो दिया है। उसने व्यक्तिगत मूल्य को आदान प्रदान के मूल्य में तब्दील कर दिया है और असंख्य अधिकृत और स्थायी समझी गई आजादियों के स्थान पर एक अकेली और बेशर्म आजादी को स्थापित किया है, आजाद व्यापार। एक शब्द में कहें तो उसने धार्मिक और राजनीतिक मायाजाल के पीछे छिपे शोषण के स्थान पर नंगे, बेहया, प्रत्यक्ष और कठोर शोषण को रख दिया है। उसने हर पेशे से उसका आदर सम्मान या श्रद्धा की निशानियां छीन ली हैं। उसने डॉक्टर, पुरोहित, कवि, वैज्ञानिक सबको अपने वेतन भोगी मजदूर में परिवर्तित कर दिया है। पूंजीपति वर्ग ने परिवार से भावुकता का पर्दा छीन लिया है और पारिवारिक रिश्तों को भी पैसे के रिश्तों तक गिरा दिया है। जिन हथियारों से पूंजीपति वर्ग ने सामंतवाद को जमीन पर चित किया था, वो अब उस पर पलटवार करते हैं। पूंजीपति वर्ग ने अपनी ही मौत के लिए केवल हथियार ही नहीं तैयार किए हैं, बल्कि उसने उन लोगों को अस्तित्व में लाने का भी काम किया है जो उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वो है आधुनिक मजदूर वर्ग, सर्वहारा। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है। जो उनके पास है ही नहीं, वो उनसे छीना भी नहीं जा सकता। चूंकि सर्वहारा को पहले राजनीतिक वर्चस्व हासिल करना होगा, उसे राष्ट्र का नेतृत्वकारी वर्ग बनना होगा, उसे अपने आप राष्ट्र की स्थापना करनी होगी, इसलिए वो राष्ट्रवादी है, लेकिन उस शब्द के पूंजीवादी अर्थ में नहीं। कम्युनिस्ट चारों ओर मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली के खिलाफ हर क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करते हैं। इन तमाम आंदोलनों में वे संपत्ति के सवाल को आंदोलन का प्रमुख सवाल बनाते हैं, चाहे वो अपने विकास की किसी भी स्थिति में हो। अंत में वे हर तरफ तमाम देशों के जनवादी दलों की एकता और आपसी सहमति के लिए परिश्रम करते हैं। कम्युनिस्ट अपने विचारों और उद्देश्यों को छुपाने से परहेज करते हैं। वे स्पष्ट तौर पर घोषणा करते हैं कि तमाम मौजूद सामाजिक परिस्थितियों को बलपूर्वक पलटकर ही वे अपने मकसद को प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिस्ट क्रांति के आगे शासक वर्ग को थरथराने दीजिए। सर्वहारा के पास अपनी जंजीरों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। जीतने के लिए पूरी दुनिया है। दुनिया के तमाम मेहनतकशों, एक हो।